वो जज्बा जो मेरे अंदर पैदा हुआ है वो दादा मोहतरम शफीकुर्रहमान बख्श साहब को देख करके बचपन से, क्योंकि मैंने आँखें ही ऐसे परिवार के अंदर खोली थी जिनको के हमेशा से बख्श साहब ने एक कौम का हिंदुस्तान और विदेश के अंदर अपना नाम कमाया है। दस फरवरी से उत्तर प्रदेश में चुनाव का आगाज होने वाला है और इसीलिए डेली डायरी न्यूज उत्तर प्रदेश में जगह जगह घूमकर लोगों का मत जानने का प्रयास कर रहा है। चुनावी यात्रा करते हुए डेली डायरी न्यूज पहुंचा मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा में, जहां लोगों से जाना कि आखिर कुंदर की में क्या माहौल है और लोग किस वजह से किस मुद्दे पर किसे जिताने वाले हैं। अखिलेश की बनेगी सरकार, अखिलेश में सब काम होते हैं, उसमें योगी के उसमें कुछ काम नहीं हुआ। तापा क्योंकि अच्छे काम करेगी वो आने वाले, उसमें योगी सरकार अच्छे काम नहीं, उन्होंने तो बर्बाद कर दिया देश को। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव की बनेगी साहब। क्यों? क्यों, सही आदमी है वो, बढ़िया बढ़िया आदमी है। बता दें कि ज्यादातर लोगों ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, साथ ही कुंदर की विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्ग से भी डेली डायरी न्यूज ने बात की। देखिए उन्होंने क्या कहा और युवाओं से क्या वादे किए। यहां पर कुंदर की विधानसभा में आए हैं सपा प्रत्याशी, हमारे साथ हैं जियाउर रहमान बर्ग। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। शुक्रिया। कैसा लग रहा है आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मुझे बहुत खुशी है विधानसभा इलेक्शन लड़ रहा हूं, और जो मुझको उम्मीद थी, पहले मेरी ख्वाहिश थी कि संभल से इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि लास्ट इलेक्शन 2017 के अंदर मैं संभल से कॉन्टेस्ट किया था और सेकंड पोजीशन पर रहा था, लेकिन अब हालात की वजह से, लेकिन कुंदर की विधानसभा से इसलिए मैं दूर नहीं होना चाहता था कि वहाँ के लोगों से मुझे मोहब्बत नहीं है या कि भरोसा नहीं था मुझे जीत का, बल्कि कुंदर की विधानसभा भी हमारा 25 साल से दादा मोहतरम का ताल्लुक वास्ता है, वो पांचवी बार सांसद हैं, हमेशा से कुंदर की विधानसभा संभल और मुराद लोकसभा के अंदर रही है। मैंने बीए ऑनर्स किया था पॉलिटिकल साइंस से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, मेरी स्कूलिंग भी वहीं की हुई है, और उसके बाद मैंने लॉ किया ग्रेटर नोएडा से, लॉ एड कॉलेज से, और वहाँ मैं एएमयू के अंदर, मेरा खुद पहले से ही इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में रहा है, समाज की सेवा करने के लिए, कौम की खिदमत करने का, गरीब मजदूर की आवाम की खिदमत करने का पहले से जज्बा रहा है, और वो जज्बा जो मेरे अंदर पैदा हुआ है वो दादा मोहतरम शफीकुर्रहमान बख्श साहब को देख करके बचपन से, क्योंकि मैंने आँखें ही ऐसे परिवार के अंदर खोली थी जिनको के हमेशा से बख्श साहब ने एक कौम का हिंदुस्तान और विदेश के अंदर अपना नाम कमाया है, तो मैं स्टूडेंट यूनियन में भी वहाँ इलेक्शन लड़ा। अच्छा, आप युवा हैं तो आप युवा के लिए क्या करने वाले हैं? युवाओं के लिए सबसे पहले मेरी जो ख्वाहिश है, दो तीन चीज़ें ख्वाहिश हैं। नंबर एक, जाहिर सी बात है युवाओं पर ये चीज़ पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन मेरी सोच के हिसाब से ये ज़रूरी है कि आजकल सबसे बड़ा असर जो युवाओं के ऊपर पड़ रहा है, उनके पास रोज़गार नहीं है और वो भ्रष्टाचार, चाहे प्रशासन के हों या शासन के हों, जो भ्रष्टाचार होते हैं उनके ऊपर उसका बहुत बड़ा गलत असर पड़ता है। जहाँ उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा वहाँ इतने इतने बड़े भ्रष्टाचार हज़ारों करोड़ के होते हैं, जिसके कि हम लोग गिनती नहीं कर सकते कि कितने जीरो के अंदर आते हैं। तो इसलिए मैं मेरी तो पहले सबसे पहले कोशिश रहेगी कि अपनी विधानसभा के अंदर, कुंदरकी के अंदर, जब मैं इंशाल्लाह कामयाब हूँगा तो पूरी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ में, जिस तरह से बर्क साहब ने क़यादत की है उसी नीति पर चलते हुए पूरी, किसी तरह का कोई चार्ज लगने नहीं दूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। दूसरा, मेरी ये कोशिश होगी कि वहाँ अपने क्षेत्र के अंदर जो भी कॉलेज वगैरह एजुकेशन से रिलेटेड काम हो सकता है, मैं कॉलेज वगैरह का पर फोकस कर करके बनवाने की इंशाल्लाह सरकार में कोशिश बनवाऊंगा। और तीसरी चीज़, हेल्थ की, स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएँ बिल्कुल एकदम से धराशी हैं, और जो हॉस्पिटल है उसमें सब व्यवस्थाएँ जमा गई हैं, उस चीज़ को मैं सही कराने का काम करूँगा। उसके साथ मेरी एक कोशिश और होगी कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भी हों खेल ग्राउंड बनवाने का, कुछ ऐसे स्टेडियम वगैरह कोशिश करूँगा, चाहे वो ज़्यादा बड़ा ना सही, लेकिन इतना वो हो कि वहाँ की जो नौजवानों की जो क्वालिटी है, जो उनके अंदर, वो उभर कर के आएँ और आने जा कर के उनको मौका मिल सके कि वो अपने विधानसभा का, अपने ज़िले का नाम पूरे प्रदेश और देश पर रोशन कर सकें। अच्छा, यहाँ पर विधायक के तौर पर क्या क्या और मुद्दे हैं जिनको आपको लगता है कि पहले काम नहीं हुआ, जो पहले विधायक थे उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, आप करने वाले हैं?
देखिए मैं विधायकों से तो शिकायत मुझको तो खुद को तो नहीं है, लेकिन जनता की जो शिकायत है मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। जो भी मुझे शिकायत मिलेगी उनकी, जन समस्याएं जो भी होंगी, चाहे वो विकास से मुतालिक हो, मिसाल के तौर पर जो भी समस्या है, फिलहाल अभी शुरू हुआ है, दो ही दिन हुए हैं, टिकट हुए हुए दो तीन दिन, लेकिन अब जो भी समस्याएं मेरे सामने आ रही हैं, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उन समस्याओं को मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जाहिर सी बात है पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर तो मैं क्या कोई बड़े कैबिनेट मिनिस्टर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सारी समस्याओं को ख़त्म वो भी नहीं कर सकते, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो समस्या है उनका हल कराने की कोशिश करूं और क्षेत्र के अंदर जो विकास हो सकता है उस विकास को मैं कराऊं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो बीजेपी से कड़ी टक्कर है इस बार सपा की, तो उस पर क्या कहेंगे कि आखिर कितना मुश्किल होने वाला है? देखिए कड़ी टक्कर तो सिर्फ बीजेपी ही की नज़र में कड़ी टक्कर है, या फिर मैं समझता हूँ कि मीडिया की नज़र में कड़ी टक्कर है। हम लोग नहीं समझते बीजेपी से इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर टक्कर कड़ी टक्कर है। इस बार सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और ये मैं कोई घमंड में, तकब्बुर में या कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, उस पर नहीं कह रहा। जो हालात हैं, जो इस टाइम विधानसभा के प्रदेश के अंदर हर उस जगह हालात हैं, आप उठा करके देखिए, जगह जगह खाली ऐसा नहीं है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है, जो सेकुलर नॉन मुस्लिम लोग हैं, चाहे वो OBC से ताल्लुक़ रखते हों या चाहे हायर कास्ट से ताल्लुक़ रखते हों, प्रदेश के सारे लोग, ख़ासतौर से एक बहुत बड़ा तबका ये चाहता है कि इस प्रदेश के अंदर सरकार बदलनी चाहिए और समाजवादी पार्टी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर ही हर आदमी को इंसाफ मिल सकता है और उनको अपना हक मिल सकता है। आज समाजवादी पार्टी की जो सरकार आएगी, बीजेपी कुछ भी दावे झूठे झूठ बोलने में तो यहाँ इनके नेता मशहूर हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है पूरी कि समाजवादी पार्टी की सरकार एक पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनेगी और 300 से ज़्यादा ऊपर सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। किसानों की बात की आपने, और क्या क्या मुद्दा है जिस पे आपको लगता है कि बीजेपी सरकार सही नहीं कर रही है, सपा सरकार सही कर रही है? बहुत सारे, एक नहीं मैं गिनाऊँ तो ज़रा कितने सारे मसले हो जाएंगे। मसलन सबसे पहले चीज़ बेरोज़गारी, इन्होंने वादा करा था कि 2 करोड़ रोज़गार हम हर साल देंगे, आज उठा करके देखिए 2 करोड़ रोज़गार तो बहुत दूर की बात है, और बेरोज़गारी बढ़ती चली गई, रोज़गार और छीनने का काम किया है सरकार ने। भ्रष्टाचार पर कहा था हम कंट्रोल करेंगे, आज थाना पुलिस कचहरी के अंदर भ्रष्टाचार पर जो है और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, कई गुना रेट बढ़ कर करके काम हो रहा है। और आप उठा कर कहते हैं विकास के नाम पर, योगी जी ने कहा था कि हम जब सरकार बनी थी 2 महीने के अंदर हम जो 15 जून तक गड्ढा मुक्त कर देंगे सड़कों को गड्ढा मुक्त तो छोड़िए, गड्ढों में सड़कें बन गई हैं, इतना बुरा हाल था। इस तरह से तो कोई आदमी कैसा दिल है उनका कि कोई किसी के जानवर के साथ में भी ऐसा सूरत हाल नहीं कर सकता कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, और इन लोगों ने तो इंसानों के ऊपर उनकी गाड़ी चढ़ा करके उनकी जान ले ली। आखिर में मैं अपने मेरे सम्मानित मतदाताओं से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इत्तेहाद कर करके, एक होकर के, धर्म बिरादरी जाति के नाम से नहीं, वैसे एक होकर के अपने वोट समाजवादी पार्टी को करें, और खाली मुझको ही विधायक नहीं बनाएं बल्कि समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने का काम करें, जिससे आने वाले वक्त के अंदर जो सरकार करेगी वो तो करेगी ही जनता के लिए, जो मेरे अपने स्तर से विधायक होने के नाते जो मैं कर सकता हूँ ईमानदारी से काम करके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, पूरी ईमानदारी से काम करूँगा और पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने किसी भी मतदाताओं को शिकायत का मौका नहीं दूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ज़ियाउर्रहमान बर्क, और कुंदरकी विधानसभा में हम देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है और जीतते हैं कि नहीं। देखते रहिए डेली डायरी न्यूज़।